मैं आपके लिए यूँ ही अच्छे वीडियोस बनाती रहूँ, इसके लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह है आपका चैनल एलिगेंट शेप, लव योर फैबुलस सेल्फ। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आप अपने मेकअप ब्रश को या ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे क्लीन करें। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज आपको स्किन पर एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आज आप सबको बताऊँगी कि ब्रश को और ब्यूटी ब्लेंडर को कैसे क्लीन करें। मेकअप ब्रश को हम दो तरह से क्लीन कर सकते हैं, एक तो सैनिटाइजर की हेल्प से और दूसरा लिक्विड सोप से। तो पहले मैं सैनिटाइजर की ब्रश को क्लीन करूँगी। सबसे पहले मैंने एक नैपकिन लिया है और उस पर मैं थोड़ा सा सैनिटाइजर डालूँगी और फिर ब्रश को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये इजी और क्विक मेथड है जिसमें बैक्टीरिया और जर्म दोनों ही क्लीन हो जाते हैं और आपका ब्रश क्विकली ड्राई हो जाता है और आप फटाफट मेकअप कर सकते हो। ज़्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा ब्रश को ड्राई करने के लिए। और अगर आपका मेकअप ब्रश किसी और ने यूज़ किया है तो भी आप इसे सैनिटाइजर से क्लीन करके फौरन ही यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मेथड में मैंने लिक्विड सोप यूज़ किया है ब्रश को क्लीन करने के लिए। लिक्विड सोप थोड़ा सा ब्रश पर या हाथ में लेकर उसे अच्छे से क्लीन करना है कि जैसा कि मैंने वीडियो में किया है। अभी देखिए ब्रश बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गया है, अब इसे ड्राई होने के लिए रख देना है। और हाँ, हमेशा ड्राई करने के लिए आप ब्रश को उल्टा करके रखें, वरना ब्रश खराब हो जाएगा, उसका ग्लू खराब होगा तो ब्रश भी खराब हो जाएगा। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन करूँगी। इसे मैंने लिक्विड सोप से ही यूज़ किया है, इसे सैनिटाइजर से बिल्कुल भी नहीं यूज़ करके क्लीन करना है, क्योंकि अगर आपने सैनिटाइजर ब्यूटी ब्लेंडर या स्पॉन्ज भी यूज़ किया ये फ़ौरन ही ख़राब हो जाएगा। ब्यूटी ब्लेंडर और स्पॉन्ज वगैरह अच्छी तरह से मैंने धुल लिया है, अब इसे मैं गर्म पानी में कम से कम आधा घंटे के लिए एक बॉल में डालकर रख दूँगी ताकि इसके बैक्टीरिया वगैरह क्लीन हो जाए और फिर मैं उसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो अगर
गाइस, ये था आज का वीडियो। होप ही आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।